प्रश्न उठाया जैन धर्म के संत नग्न क्यों रहते हैं, प्रश्न उठाया जग में रहकर आत्ममग्न क्यों रहते हैं, प्रश्न उठाया जैन धर्म में बिल्कुल ढील नहीं है क्या और सभ्य जगत में नग्न विचरना ये अश्लील नहीं है क्या। आप जवाब देता हूँ कि सच समझे बिन बकबक करना थोथा मान तुम्हारा है। क्या बात है, क्या सच समझे बिन बकबक करना थोथा मान तुम्हारा है। अरे त्याग वेश पर प्रश्न उठाना ये अभिमान तुम्हारा है, त्याग वेश पर प्रश्न उठाना ये अभिमान तुम्हारा है। अरे काम अगर सिर चढ़ जाए तो जीव व्यथित हो जाता है और मन भीतर से निश्चल हो तो त्याग घटित हो जाता है। वाह 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 वाह, मन भीतर से निश्चल हो तो त्याग घटित हो जाता है। उनको लगा कि कोई फिल्म आई, मैंने उस पर जैसे टिप्पणी कर दी ऐसे इस घटना पर कर दी, तो वस्त्र त्यागना क्या कोई कर्तव्य फिल्मी हीरो का है? वस्त्र त्यागना, अगली पंक्ति संभाल लेना जैनियों कि वस्त्र त्यागना क्या कोई कर्तव्य फिल्मी हीरो का है। अरे काम विजित कर नग्न निकलना ये टेवा वीरों का है। काम विजित कर नग्न निकलना ये टेवा वीरों का है, काम विजित कर नग्न निकलना ये टेवा वीरों का है। और शुद्ध आचरण की बातें अभिमानी नहीं सुनी तुमने, तो आचरण की बातें अभिमानी नहीं सुनी तुमने। अरे संतों का बस बाना देखा बानी नहीं सुनी तुमने, संतों का बस बाना देखा बानी नहीं सुनी तुमने। अरे चखने वालों ने झूठे बेरों में मीठा प्रेम चखा, जिसके भीतर जो मूरत थी उसने वैसा रूप लखा। जिसके भीतर जो मूरत थी उसने वैसा रूप लखा। सच बतलाओ, थोड़ा कड़वा होता हूँ आपसे इजाजत लेकर, कि सच बतलाओ बचपन में जब नंगे डोला करते थे, तब भी क्या तुम ऐसी ओछी भाषा बोला करते थे? तब भी क्या तुम ऐसी ओछी भाषा बोला करते थे? बचपन में हर नारी तुमको क्या केवल तन लगती थी? और एक पंक्ति बहुत कड़वी पंक्ति बोल रहा हूँ कि बचपन में हर नारी तुमको क्या केवल तन लगती थी? अरे माँ का दूध पिया तब भी क्या काम वासना जगती थी? बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। माँ का दूध पिया तब भी क्या काम वासना जगती थी? कह सकते हो तब तुमको इन बातों का आभास न था, कह सकते हो तब अंतस में कोई काम विलास न था। मन का पाप उजागर ना हो इसी साधन जोड़ लिए, और जब मन में काली खाई तो उजले कपड़े ओढ़ लिए, अब थोड़ा सा उस इतिहास की ओर बढ़ता हूँ जिस इतिहास ने हमें वो गौरव दिया है कि हम सब कुछ सहकर भी मौन रह जाते हैं, कि जब मन में काली खाई तो उजले कपड़े ओढ़ लिए। अरे तुम क्या जानो जैन धर्म का क्या इतिहास सुनहरा है, तुम क्या समझो पंचेंद्रिय पर धर्म ध्यान का पहरा है, मैं आगम बोल जाऊंगा, कब बोल जाऊंगा आपको सूचना मिल जाए तो बताते रहना, कि तुम क्या जानो पंचेंद्रिय पर धर्म ध्यान का पहरा है। हम वे नहीं जिन्होंने केवल धन वैभव ही जोड़ा है, हम उनके वंशज हैं जिनने जीत जीत कर छोड़ा है, अरे तोरण पर पशु कष्ट देखकर हम में करुणा जागी है, हमने चक्रवर्ती की सब संपत्ति जीत कर त्यागी है। अरे जैन धर्म का साधक केवल क्षमा सुधा ही पीता है, हमने कमट सरीखा दानव आचरणों से जीता है। बहुत अच्छे, एक बार तुम पुनः विचारो, अहंकार ही चूका है। अंतिम चार पंक्तियां कविता की प्राण पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि एक बार तुम पुनः विचारो अहंकार ही चूका है। अरे उसका चेहरा घृणित हो गया जिसने नप्पर थूका है। बहुत अच्छे, अरे हाथी निकला श्वान बोराए, कहो लफंगा कौन हुआ? अरे दर्पण में जाकर तो देखो सचमुच नंगा कौन हुआ दर्पण में। बहुत बहुत धन्यवाद।